हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, 11:30 बज चुके हैं। तो इनको बिठा दिया है राधा माधव को झूले पे, क्योंकि अंदर कब तक बैठे हैं, थक जाते हैं बेचारे अंदर बैठे बैठे। तो इन लोगों को बाहर झूले पर बिठा दिया। सावन भी चल रहा है, इनका झूला भी पड़ा हुआ है, तो थोड़ी देर अपना चिल मारेंगे। उसके बाद मैं लग गई थी घर के कामों में, क्योंकि सुबह कायदे से डस्टिंग वगैरह हो नहीं पाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी टिफ़िन बनाओ, ये करो वो करो, पूजा करो, उस चक्कर में ये सारे काम बाद में करते हैं। चाहत भी चला गया था स्कूल, उसके बाद मैं लग गई अपने काम में। उसको टिफ़िन वगैरह बना के दे दिया था, क्योंकि खाना देर से ही बनता है, नाश्ता बन जाता है। और हम दोनों लोगों का था आज व्रत एकादशी का, तो हम लोगों को तो खाना वगैरह खाना नहीं था, तो कचौड़ियाँ बनाई थी। बाकी सब लोगों के लिए कचौड़ी बना दी थी, थोड़ा एक्स्ट्रा बना के रख ली थी कि दोपहर में आएंगे तो खा लेंगे, दही वगैरह अलग मंगा देंगे तो उसके साथ कचौड़ी खा लेंगे आराम से। और धूल वगैरह बहुत जम जाती है, अभी आजकल हवा चल रही इतनी ज़्यादा, बहुत धूल आती है। रोज़ मारो ना, फिर भी रोज़ होता है, रोज़ चाहे जितनी डस्टिंग आप कर लो, सवेरे देखोगे तो आपको फिर वैसे ही मिलेगा। और यहाँ टीवी यूनिट के नीचे एक मेज पड़ी थी, उसको लगाई थी, प्रेस करने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये सब लोग बेड पर बैठ के प्रेस करते हैं। इस चक्कर में अलग लगा दी मैं, जिस पर प्रेस रख दिया कि अपना उसी जगह प्रेस करो। बर्तन भी आजकल धोने पड़ते हैं, क्योंकि भाभी आने नहीं, भाभी का ऑपरेशन हुआ है। आज भाभी आई थी वैसे, बैठने के लिए से आई थी, काम अभी नहीं कर रही हैं, क्योंकि अभी करेंगी भी नहीं, 1-2 महीने, मुझे नहीं लगता अभी 2 महीने कर पाएंगी, कितना भी हो वीकनेस तो आई जाती है। तो बर्तन वगैरह जो है ना, आजकल हम ही को धोने पड़ रहे हैं। कभी कभी बाहर बैठ के धुल लेते हैं, कभी कभी यहीं पे किचन में ही धुल लेते हैं। ज़्यादातर बाहर धुलती हूँ, कि मुझे आराम से बैठ के धुलने में अच्छा लगता है। बर्तन भले ज़्यादा हो जाए, इकट्ठे हो जाए, उसकी टेंशन नहीं रहती है। किचन में छोटे छोटे बर्तन हो तो धुल लो, कढ़ाई वगैरह अच्छे से साफ़ नहीं होती। इस चक्कर में बर्तन में ज़्यादातर बाहर ही धुलती हूँ। वॉश बेसिन में बहुत कम, हल्के फुल्के ग्लास वगैरह हुए तो धुल लिए, बर्तन वगैरह धुल गए थे, उसके बाद सारा किचन साफ़ किया, क्योंकि इसके बाद बनाएंगे अपने लिए व्रत वाला कुछ, तो किचन वगैरह साफ़ करके डाल देंगे, खाना दोबारा बनाना नहीं है, नहीं तो फिर किचन जूठा हो जाता है। इसी चक्कर में मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी, दाल चावल ये सब कुछ नहीं बनाया, क्योंकि फिर व्रत वाला बनाना था हम दोनों लोगों का। तो इसके बाद बनाएंगे व्रत वाला, देखो क्या बनाते हैं। आलू उबली हुई रखी है थोड़ी सी, मैंने ज़्यादा उबाल ली थी, क्योंकि चाहत को कचौड़ियाँ बनाई थी उसी में साथ में ही आलू उबाल के रख ली थी। तो किचन भी साफ़ कर लेंगे और हाथ के हाथ में कपड़े भी धुल के डालते जाएंगे, क्योंकि कपड़े भी बहुत इकट्ठे हो गए थे, किचन के भी काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, किचन के टावल, छोटे छोटे कपड़े, ये सब काफ़ी कपड़े हो गए थे। तो पहले कपड़े धुल लिए, उसके बाद जो थोड़े बच्चे थे किचन वाले वो कपड़े धुल के जो है सारे डाल दिए। धूप भी अच्छी थी, आधे कपड़े सूख गए हैं, एक मशीन में पहले लगा चुकी थी बेडशीट वगैरह, दोबारा के बचे हुए हैं, क्योंकि कल संडे है तो फिर टाइम नहीं मिलता, कीर्तन वगैरह में जाते हैं, ज़्यादा काम जो है ना सैटरडे को ही समेट लेते हैं, क्योंकि सुबह खाना वगैरह बनाओ, थोड़ी देर आराम करो, फिर कीर्तन में चले जाते हैं, वहाँ से वापस आते रहते बन जाता है 5-6। इस चक्कर में कपड़े वाला काम संडे को नहीं रखते हैं, कपड़े वगैरह सारे एक दिन पहले धुल के डाल देते हैं। कपड़े भी मेरे क्या, ये 130 313। खोल दिया, खोल लेंगे, देखो कैसा है। पैकिंग अच्छी है तो आराम आराम से खोलो, उसको पूरा तोड़े डाल ले। पैकिंग अच्छी करते हैं लोग। ये थर्माकोल निकालो पहले। नहीं, कैप निकाल दी, इसको थर्माकोल निकाला है ना। ये आ गया हम लोगों का छोटू सा फैन, कलर वही आया है ना जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था, हमें लगा था कलर ना कर सकते, कॉफी बोला जाएगा नहीं, ब्राउन, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन निकाले कि बीच इसी में रहने दे। निकालो देखे। बड़े बड़े फैन क्या किया, छोटा है, मगर छोटा मंगाया गया था ना, ये लेनी पड़ेगी।
ये छोटी होती है, इसमें ये अलग से लेनी पड़ेगी। ये मेरे तो आधा फुट की आती है, एक फुट की लानी पड़ेगी। ये पंखुड़ी, पंखुड़ी खोलो, देखे पंखुड़ी को खोलो जरा, पंखुड़ी। हाँ, ये डिजाइन थोड़ा मिल गई तो अच्छी लगेगी। हाँ, अच्छी लगेगी क्योंकि अपने सारे पंखों में लेवल ये डिजाइन है। हाँ, ज्यादातर ये चीज तो आने, बिल्कुल प्लेन होता तो अब वो पता नहीं तीन कब आएंगे। एक साथ चार ऑर्डर किए गए थे, एक आया। एक साथ चार नहीं ले रहा था ना, एक साथ चार नहीं, ये पहले एक ऑर्डर फिर तीन ऑर्डर, एक साथ चार ले ही नहीं रहा था, ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में सिर्फ तीन तक था। मतलब एक पहले आ गया, तीन वाले बाद में आएंगे। चार पंखे किए गए, अच्छे लग रहा है, देखिए छोटू छोटू सा पंखा, अच्छे लग रहा है। फाइनल ऑर्डर किए गए थे चार, एक आ गया तो उसको देखेंगे। और कुछ बनाए खाने वाला, भूख लग रही है आज, क्योंकि दोनों लोगों का व्रत है, हम लोगों का एकादशी का। आलू उबाली है तो आलू बना लेंगे, और मखाने सोच रहे आलू मखाने बना लें, मूँगफली के दाने भी रखे हैं वो भी बना सकते हैं। काम वगैरह सारा हो गया ख़त्म, और किचन भी साफ थी, साफ कर ली थी। बच्चों के लिए सुबह बनाई थी कचौड़ी, उन लोगों के रखे रखे हैं कचौड़ियाँ भी, अपने लिए बनाएंगे व्रत वाले आलू। ये काट के रख लिया है धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, और ये आलू उबाल के छील के रख लिए। आलू फ्राई कर लेंगे, थोड़ी मूंगफली दाने फ्राई करेंगे, और चाय बनाएंगे। मखाने भी रखे हैं, थोड़े से मखाने या तो फ्राई कर लेंगे। चलिए फटाफट से बना लेते हैं, क्योंकि अब भूख लगी बहुत तेज, 1:45 बज गया है। काम करते करते समझ में नहीं आया, पहले व्रत वाला बनाया, फिर ज़्यादा साफ सफाई करी, तो अब बनाएंगे अपने लिए व्रत वाले आलू। कढ़ाई, इसमें डालेंगे थोड़ा सा मूंगफली का तेल, थोड़े मखाने भून लें, इनका मन था मखाने खाने का, थोड़ी मूंगफली भून लेंगे, क्योंकि ये बार बार खाना नहीं, एक बार खा लो फुल कर, मखाने अच्छे भी लगते हैं। तेल हो गया हमारा गरम, इसमें डाल दिया जीरा, के व्रत वाले बनाने थे ज़्यादा कुछ और डालेंगे नहीं, जीरा हमारा अच्छे से रख दिया। इसके बाद डाल देंगे हरी मिर्च और टमाटर, और बाकी मसाले सिर्फ कुछ लोग खाते हैं अपना, हल्दी वगैरह डालते हैं, घर में नहीं खाते हैं। एकदम सिंपल आलू बनाएंगे, हरी मिर्च, टमाटर और जीरा डाल के, उसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा व्रत वाला नमक, थोड़ा नमक डाल दो ना, जल्दी गल जाते हैं टमाटर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और इनको अच्छे से टमाटर को गला लेंगे। व्रत वाले आलू अच्छे लगते हैं, ऐसे भी कभी कभी बनाओ तब भी अच्छे लगते हैं। चलिए फटाफट से व्रत वाले आलू बनाते हैं, भूख लग रही बहुत तेज। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं, टमाटर गल जाते तो अच्छे लगते हैं, अगर गलते नहीं तो फिर खड़े खड़े पड़ते मुँह में तो अच्छे नहीं लगते। उसके बाद डाल देंगे इसमें आलू, तो हमारे बन जाएंगे आलू। तब तक दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी, उनका साथ के साथ में बनते जाएंगे, क्योंकि आप आलू को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फटाफट से आलू फ्राई हो जाएंगे, तब तक चाय भी बन जाएगी, एक साथ दो काम हो जाएंगे, आलू भी बन जाएंगे और चाय भी बन जाएगी। तो आलू मेरे फ्राई हो चुके, उसके बाद डाल दिया इसमें खूब सारा हरा धनिया, धनिया अच्छा लगता है खाने में, देखने में भी अच्छा लगता है। और उसके बाद डाल दिया इसमें मूँगफली के दाने, तो ये मेरी बन गई व्रत वाली आलू, बड़ी अच्छी बनी थी आलू। वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, मैं खा चुकी हूँ, बहुत टेस्टी आलू बने थे आज के। मूँगफली के दाने, चाय, यही खाओगे? ये तो साफ, ये वही तो नहीं है। हाँ, तो यहाँ खा लेते, क्या दिक्कत? खा लो, हम उधर भागवत लगा के सुन लो, तुम्हारी दूसरी भागवत चल रही है। तो बन गया नाश्ता, चलिए नाश्ता पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आपसे। पहले सबसे पहले भोजन,
उसके बाद बातचीत, क्योंकि भूख लगी है, 2:30 बजने वाला है। बजाकर सभी महाराष्ट्र का अभिनंदन स्वागत करते हैं, व्यास पूजन को नमन करते हैं। आइए आज की पावन मंगल मेला यानी कि व्यास पूजन के मेला में प्रवेश करेंगे। मुख्य यजमान आयोजक परिवार मंच पर पधार चुके हैं। अपने मन के खाना वाना खा के हम लोग गए थे लेट, हम लोग क्या ये तो लेटे नहीं थे, निकल गए। मैंने कहा था मुझे भी चलना है, शिवपुराण की कथा हो रही है, और ये अपना आराम से निकल गया शिवपुराण सुनने। हम सोते ही सोते रह गए, जो सोवत है सो खोवत हो गया मेरे साथ। और बुआ मेरा सो रहा है भी स्कूल से के उठे, बुआ कोचिंग का टाइम हो रहा है, उठो। बादल आ गए बस के काले काले, बारिश तो होगी नहीं मैं लग रहा है, बादल बादल ही है। एक तरफ सूर्य भगवान अंदर जा रहे हैं, दूसरी तरफ अंधेरा कायम हो रहा है। मैंने स्टैंड फटाफट उठा लिया है क्योंकि पता नहीं कब बारिश हो जाए। भैया उठ जाओ, लेट हो जाओगे तुम, शायद उठ जाओ, लेट हो जाओगे, उठो। तो यहाँ पे जल गया चूल्हा मेरा, चूल्हे पे बना रहे, बाहर बैठ के हवा चल रही थी। आज मन कर रहा गाँव वाली बर्फी खाने का, पहले गांव में मम्मी बनाती थी, मुझे अच्छी लगती थी, मेरा मन किया आज की बर्फी खाएं का। चलो दूध भी रखा हुआ था एक्स्ट्रा में, तो इसको चढ़ा दिया चूल्हे पे, अंदर सोचा गर्मी लगेगी, चलो बाहर बैठ के बनाते। इसका खोया जलाया, उसके बाद डाल दी इसमें चीनी। आज एकदम उसी स्टाइल में बना जैसे मम्मी बनाती थी बर्फी, बड़ी अच्छी लगती थी पहले जब हम लोग बनाते थे। तो ये हमारी बर्फी बन रही है, जिसको जिसको खाना हो वो आ जाए हमारे घर पर। तो ये बन गई हमारी बर्फी, इसके बाद इसको थोड़ा सा घोट लेंगे, और उसके बाद एक थाली में घी लगा के बढ़िया से इसको पलट के जमा देंगे अच्छे से। जल्दी बन जाती है, पेड़ा बनाने में टाइम लगता है, बर्फी बनाने में टाइम नहीं लगता है, जल्दी बन जाती है। पेड़ा से बर्फी जल्दी बन जाती है क्योंकि इसमें इतना घोटना भी नहीं पड़ता, थोड़ा सा घोट के बस जमा दी थी, और आधे घंटे में हो गई ठंडी। तो इनको फटाफट से काट लेंगे क्योंकि अब किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सबको लग रहा है कि जल्दी बनाओ जल्दी खाएं। चाहत कह रहा था मुझे पहले दे दो सबसे पहले। तो ये बन गई बर्फी, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, सबसे पहली बर्फी आप लोगों के लिए, बाकी हम लोग खाएंगे बाद में, पहली बर्फी आपके लिए। तो बन गई बर्फी, बाकी सब लोग खा चुके हैं, और सबसे लास्ट में मैंने खाई थी। तो हो गया खाना पीना, दो चार बर्तन पड़े हैं वो धुलेंगे, ज़्यादा नहीं है, कढ़ाइयाँ धुल के रख देंगे चूल्हे की है क्योंकि टाइम लगेगा उसको धुलने में। और बाकी किचन में बर्तन नहीं है क्योंकि किचन में बनाया भी नहीं, तो बर्तन भी नहीं किचन में। चलिए तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए राधे राधे।